जी तो गाइस वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंसर जिनकी फोटोज और वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज एंड लाइक्स आते हैं वो सब जो है कैमरास को छोड़कर जो है आईफोन से कंटेंट जो है बना रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैमरा सेटअप जो है वो आईफोन 15 के अंदर जो है मौजूद है। आईफोन 15 जो है अपनी कंपैटिबिलिटी की वजह से सारे कैमरास को जो है टक्कर देता है, क्योंकि कैमरास में आपको जो है हर तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए अलग तरह के लेंस जो है बाय करना पड़ते हैं, जैसे कि वाइड के लिए, जूम के लिए, पोर्ट्रेट के लिए अलग लेंस जो है वो बाय करना पड़ते हैं, जिनकी वर्थ जो है आईफोन 15 से ज्यादा है। तो यहाँ पर आईफोन 15 के अंदर ये सारे लेंस जो है आपको बिल्ट इन मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो आपको जो है कैमरा के अंदर जो गिम्बल बाय करना पड़ता है, इसके अलावा लो लाइट के लिए लाइट्स बाय करना पड़ती है। आईफोन के अंदर ये दोनों चीजें जो आपको बाय नहीं करना पड़ती, आपको बिल्ट इन इसके अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर आईफोन 15 का जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है इसके अंदर जो है बहुत अच्छी आपको क्वालिटी मिलती है फोटोज की, वीडियोज की। आप जितना मर्जी फोटोज और वीडियो को जूम कर ले आपके पिक्सल जो है वो लूज नहीं होते। तो आज हम आईफोन 15 प्रो मैक्स के कैमरे का टेस्ट करने वाले हैं, आउटडोर में, इनडोर में, नाइट में, और जितने भी फीचर हैं उन सब का जो हम डिटेल में टेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube पे आपको इसके कैमरा की इतनी डिटेल में वीडियो जो है नहीं मिलेगी। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी बेस्ट सेटिंग बताऊंगा कैमरा की जो आपने करनी है, जिससे आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी काफी इनहेंस हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी फोटोग्राफी का टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसकी वीडियोग्राफी का टेस्ट करेंगे, और चौथे नंबर पर आपको जो है इसके कैमरा के की फीचर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अब जो है आईफोन की बेस्ट सेटिंग आपको बता देता हूँ, जिससे आपकी पिक्चर क्वालिटी और फोटो क्वालिटी काफी हद तक जो है इनहेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने जाना है कैमरा में। कैमरा में जाने के बाद आपने रिकॉर्ड वीडियो पे जाके जो है इसको HD 60 फ्रेम के ऊपर रखना है, और आपने स्टेबलाइजेशन को इनहेंस कर देना है, एक्शन मोड को आपने ऑन कर देना है। यहाँ पर आपने ऑटो FPS रखना है, और यहाँ पर जो आपने लॉक वाइड बैलेंस हमेशा से ऑन कर लेना है। इसके बाद स्लोमो आपने 120 FPS HD के ऊपर रिकॉर्ड करना है। इसके बाद सिनेमैटिक मोड को आपने जो 30 फ्रेम के ऊपर HD के ऊपर जो रिकॉर्ड कर लेना है। अगर आपकी कहीं पर 4K रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेट को आपने जो हमेशा मोस्ट कंपैटिबल के ऊपर रखना है, और यहाँ पर फोटो मोड को आपने 24 मेगापिक्सल कर देना है। इसके अलावा ये एप्पल प्रो को आपने लाजमी ऑन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर प्रिजर्व सेटिंग के अंदर जाकर आपने ये सारी सेटिंग जो है ऑन कर देनी है, सिर्फ लाइव फोटो को ऑफ कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो है प्रिजर्व सेटिंग के बाद जो आपने नीचे ये सारी सेटिंग जो है वो ऑन कर देनी है, जितनी भी यहाँ पर नीचे तक आपको नजर आ रही है। इसके अलावा मेन कैमरा के अंदर जाकर ये दोनों सेटिंग को आपने ऑन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो है पोर्ट्रेट मोड को टेस्ट करने की ट्राई की है। तो यहाँ पर जो है आउटडोर में और नाइट में 5x पे और इनडोर में 2x के ऊपर जो है वो हमने शूट किया है। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात की जाए तो बहुत एक्यूरेट ब्लर है, बहुत ज्यादा नेचुरल ब्लर है। ऐसे लगता है जैसे आपने बहुत ही महंगे लेंस और DSLR से आपने जो है वो शूट किया है। तो यहाँ पर जो है आउटडोर में नाइट में क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इनडोर में फेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है लाइट जो है वो कम है। यहाँ पर हमने ये सारा शूट जो है वो नेचुरल लाइट के ऊपर जो है वो किया है। तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड में आपका 1x भी आता है, तो यहाँ पर जो हमने आउटडोर में और नाइट में 1x पे और जो है इनडोर में 2x के ऊपर जो है वो शूट करके जो है वो रिजल्ट को टेस्ट करने की ट्राई की है। तो यहाँ पर देखा जाए 1x पे तो रिजल्ट काफी ज्यादा नेचुरल है। ऐसे लगता है जैसे आपने जो है वो सेम DSLR वाला ब्लर जो आपको नेचुरल ब्लर जो है वो मिलता है वो आपको मिल रहा है, और यहाँ पर 2x के ऊपर आपको थोड़ा सा रिजल्ट ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा फेक ब्लर है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकल कर आती है, कलर टून हर चीज परफेक्ट है। तो गाइस यहाँ पर इसकी जो सिंपल कैमरा है उसको जो हमने 1x के ऊपर जो है वो टेस्ट करने की ट्राई की है। तो यहाँ पर जो हमने आउटडोर में, इंडोर में, नाइट में तीनों जगह पे कोई भी एक्सटर्नल लाइट यूज नहीं की, जो नेचुरल लाइट अवेलेबल है उसी के अंदर जो है हमने शूट किया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, पिक्चर के अंदर डिटेल बहुत ज्यादा है। आप देखें पिक्चर जो है वो काफी लंबी है, लेकिन इसके हर पार्ट के अंदर जो है वो आपको डिटेल मिलेगी। इसके डार्क पार्ट के अंदर काफी अच्छी डिटेल है, इसके हाईलाइट एंड शेडो के अंदर काफी अच्छी जो आपको डिटेल मिल जाती है, इसके अलावा नाइट के अंदर आपको थोड़ी सी जो है वो डल जो है वो मिलती है पिक्चर। तो गाइस इसके फ्रंट कैमरा में भी आपको जो है वो पोर्ट्रेट मोड जो है मिल जाता है, जिसमें आप जो अपनी सेल्फी के पीछे जो है वो ब्लर डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्लर। तो यहाँ पर ये फीचर जो मुझे इतना जो है वो कूल नहीं लगा, क्योंकि सेल्फी के पीछे ब्लर जो है वो काफी बुरा लगता है और इतना एक्यूरेट भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सिंपल सेल्फी कैमरा है उसकी क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। अगर आप देखें यहाँ पर जो है नाइट में, आउटडोर में और जो है इनडोर में तीनों जगह पे काफी अच्छी क्वालिटी जो देखने को मिली है। आउटडोर में हमारे फेस के ऊपर जो है वो थोड़े कलर कम है, बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो गाइस आजकल जो है वाइड कैमरा हमारी बहुत बड़ी जरूरत बन गया है, क्योंकि जब भी हम जो है किसी जगह पे टूर पे जाते हैं या किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो हमें वाइड पिक्चर चाहिए होती है, ताकि हम पूरा व्यू जो है वो दिखा सकें। तो यहाँ पर जो है 0.5 के ऊपर रख के आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं, इसके वाइड कैमरा को। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, जितनी भी मैंने पिक्चर बनाई है आउटडोर में, इनडोर में, नाइट में,
तीनों जगह पे इसके एजेस जो है वो काफी शार्प है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाईलाइट शेडोज के अंदर डिटेल बहुत अच्छी है, और यहाँ पर नाइट में लो लाइट में भी ये कैमरा जो है खुद ब खुद जो है वो लाइट ऐड कर देता है आपकी पिक्चर के अंदर, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर जो आपको बना के देता है। तो गाइस यहाँ पर जो है आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपको जो है 25x तक जो है जूम मिल जाता है, यहाँ पर आउटडोर में, इनडोर में, नाइट में, तीनों जगह पे मैंने जो है इसका 25x जूम जो है वो यूज़ किया है। आप जो है काफ़ी ज़्यादा जूम कर सकते हैं, अगर आप जो है 25x तक देखें तो आप जो है किसी को स्पाय करना चाहिए, वैसे यूज़ करना चाहें तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी आपको मिल जाती है, आउटडोर में ज़्यादा, इनडोर में, नाइट में थोड़ी सी कम मिल जाती है। तो यहाँ पर जो इसका मैक्रो कैमरा है उसको जो है मैंने हर तरह से बहुत डिटेल में टेस्ट किया है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स भी आई हुई थी प्रोडक्ट शूट के लिए, उनका भी शूट किया है। अगर आप जो है ई कॉमर्स फोटोग्राफी करना चाहते हैं या आप जो है वो कोई अपनी प्रोडक्ट का शूट करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाती है और बहुत ज़्यादा डीपली जाकर ये चीज़ों को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो टॉवल के ऊपर इसने छोटे से हेयर को भी जो है वो बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। तो गाइस इसका जो स्लो मोशन है उसको जो है मैंने 120 fps फुल HD के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप जो है 0.5 पे, 1x पे और 5x पे स्लो मोशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्लो मोशन की क्वालिटी की बात की जाए तो तीनों जगह पे स्लो मोशन जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और यहाँ पर जो नाइट में स्लो मोशन में ग्रेन्स आते थे या इनडोर में वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। आप देखें नाइट के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत ही कम लाइट है, उसके अंदर भी इसका स्लो मोशन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकल कर आया है। यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की स्टेबलाइजेशन का टेस्ट, जिसको जो एक्शन मोड कहता है एप्पल। तो चलिए बाहर का टेस्ट करते हैं, चेक करें। तो फिर यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की एक्शन वीडियो का टेस्ट, जिसके अंदर आपको जो है स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो चलिए चेक करते हैं कितना स्टेबल है ये। जी तो गाइस यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स के एक्शन मोड को। यहाँ पर आपने देखा होगा कि DSLR या कैमरा के साथ जो लोग गिम्बल लगा किस तरह फोटोग्राफर यूज़ कर रहे होते हैं, तो आईफोन ने वो गिम्बल जो मोबाइल के अंदर ही डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं इसकी गिम्बल जो किस तरीके की परफॉर्म करती है। यहाँ पर हम जब बाहर के देखते हैं थोड़ा सा, तो फिर आप देखिए किस तरीके की आपको जो है एक्शन मोड के अंदर रिजल्ट मिलता है, आपको वीडियो शेक तो नहीं हो रही। इसके अलावा एक और बात बता दूँ, यहाँ पर जो मैं 2.8K के ऊपर जो शूट कर रहा हूँ, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर जो हम आईफोन 15 प्रो मैक्स की सिनेमैटिक वीडियो का टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है आपको बिल्ट इन जो है ब्लर मिल जाता है DSLR की तरह। तो यहाँ पर इसके अंदर दो मूड है, 2x 1x दोनों पे मैंने वीडियो बना दी है, दोनों पे आप देख लें आपको कैसा रिजल्ट जो है मिल रहा है। ये तो गाइस हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की सिनेमैटिक वीडियो का। यहाँ पर जो है इनडोर लाइट कंडीशन में, ये एक जो है जिम है, यहाँ पर जो एक रूम में लाइट अवेलेबल होती है वही लाइट है। यहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा है, आप देखिए इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है और कलर और फेस ट्रैकिंग किस तरीके की यहाँ पर आपको मिल रही है। तो अगर यहाँ पर जब आईफोन 15 प्रो मैक्स की सिनेमैटिक मोड को टेस्ट करें, जिसके अंदर जो आपको सेम DSLR के जैसा ब्लर जो है वीडियो के अंदर जो मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर जो आपको दो मोड मिल जाते हैं, HD भी, इसके अलावा 4K भी, आप दोनों के अंदर जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो मैं 4K के ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो आप जूम भी कर सकते हैं, 2x जूम भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 1x भी कर सकते हैं। ये जो है 2x के ऊपर वीडियो बन रही थी, अब जो है यहाँ पर जो है ये मैंने 1x के ऊपर बनाकर दिखा दी है। दोनों में आप देखिए आपको ब्लर किस तरीके का मिल रहा है, एजेस जो है शार्प है कि नहीं है। अगर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चल के अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो ब्लर सेम रहता है या ब्लर जो है आपका आपको तंग करता है। इसके अलावा अगर जो माइक की बात करूँ तो मैं इसके ही माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे जो रोड चल रहा है, आप देखें नॉइज कैंसिलेशन कैसी है और जो है वॉइस की क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको। यहाँ पर हम टेस्ट करें आईफोन 15 प्रो मैक्स की 4K वीडियो का टेस्ट 60 फ्रेम के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर इसके अंदर 3 से 4 मोड है जूम के, 5x 2x 1x 0.5, इन सब के ऊपर जो आपको बनाकर दिखा दिया है। इसके अलावा बाकी आप देखें कि आपको कलर टोन कैसी मिल रही है, शार्पनेस कैसी मिल रही है, फेस ट्रैकिंग कैसी मिल रही है, और यहाँ पर जो शाम का टाइम है, और आप ये देखें कि यहाँ पर इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी आ रही है, और वॉइस क्वालिटी लाजमी चेक करें क्योंकि मैं इसी का माइक यूज़ कर रहा हूँ। जी तो गाइस यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की 4K वीडियो का टेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके का आपको रिजल्ट मिल रहा है, मैं जो है चल के भी दिखा रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन इसकी चेक कर लें, इसकी जो है क्वालिटी चेक कर लें कि किस तरीके की आपको क्वालिटी जो है इनडोर लाइट कंडीशन में मिलने वाली है। थैंक यू। जी तो गाइस यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की 4K वीडियो का टेस्ट नाइट में। यहाँ पर जो है अवेलेबल लाइट जो ब्रांड की लाइट है उनकी लाइट अवेलेबल है, यहाँ पर जो कोई एक्सटर्नल लाइट हम यूज़ नहीं कर रहे,
अगर ये वीडियो जो है 30 फ्रेम के ऊपर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इसके अंदर आपको तीन मोड मिल जाते हैं, 1x, ये जो है 2x के ऊपर भी बना दिया है, ये जो है 5x, यानी कि आप जो वीडियो के अंदर 5x तक जो जूम कर सकते हैं। तो गाइस इसकी सिंपल बैक कैमरा को डिटेल में टेस्ट करने के लिए मैंने जो है एक फैशन फिल्म शूट की है, जिसको जो है मैंने एडिट करके एंड पे लगा दिया है, ताकि आपको पता चले कि आपको जो है आउटडोर में, इंडोर में, नाइट में किस तरीके की क्वालिटी मिलेगी, किस तरीके के शॉट्स आप ले सकते हैं और उसको जो है किस हद तक जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 1 मिनट की फैशन फिल्म जो है मैंने शूट की है, ये उसके BTS हैं और एक्चुअल वीडियो है, एंड पे मैंने वो भी लगा दिया, उसको भी आप डिटेल में देखेंगे तो आपको जो है एक्चुअली में समझ आएगी कि आप जो है किस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है इससे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने इस वजह से भी डिटेल में टेस्ट किया है कि मैंने ये देखना था कि आप जो है कोई फैशन फिल्म या जो है कोई भी शॉर्ट फिल्म इससे शूट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसकी स्टेबलाइजेशन का मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ। आप देखिए मैं जो है सारे शॉट जो है वो हमने चलते हुए लिए हैं, चलते फिरते लिए हैं, तो उसके अंदर स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, कलर टून बहुत अच्छी है, लो लाइट क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखें नाइट के अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर बहुत लो लाइट है, यहाँ पर फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रेन ज़रा भी नहीं है वीडियो के अंदर। आप जो काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स भी ले सकते हैं, काफ़ी वाइड एंगल शॉट भी ले सकते हैं, क्लोजअप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसके BTS और एक्चुअल वीडियो थी, यहाँ पर जो है मैंने एडिट करके जो है फैशन फिल्म लगा दी, उसको देखें और जो है आप खुद जज करें। यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे की HD वीडियो का टेस्ट 60 फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर देखें आपको कैसी क्वालिटी मिल रही है, ये जो है मैं थोड़ा सा आपको चल के भी दिखा रहा हूँ, ये जो है इसकी क्वालिटी है। और कलर टून देख लें, शाम का टाइम है, इसके अलावा वॉइस क्वालिटी आदमी चेक कीजिए, क्योंकि मैं इसी मोबाइल के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर हम टेस्ट करें आईफोन 15 प्रो मैक्स की जो है फ्रंट कैमरे की वीडियो का टेस्ट फुल HD। यहाँ पर जो है एक जिम में मैं मौजूद हूँ, कलर टून, फेस ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसी आपको नज़र आ रही हैं। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर जो हम आईफोन 15 प्रो मैक्स की व्लॉगिंग का टेस्ट कर रहे हैं HD वीडियो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करके, देख रहे हैं कि आपका ये वाला मोबाइल जो है व्लॉगिंग में कैसा परफॉर्म करेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देखें तो ये 60 फ्रेम के ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो अवेलेबल लाइट है, थोड़ा सा मैं चल के दिखा रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन चेक कर लें आप, वॉइस की क्वालिटी लाजमी चेक कीजिएगा। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शोर है, मॉल में है, तो यहाँ पर देखें आप किस तरीके का आपको रिजल्ट जो है मिल रहा है। थैंक यू। क्योंकि अगर इसके कैमरा के की फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो यूज़ किया गया है इसके रियर कैमरा सेटअप में। यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का f/1.8 का कैमरा है, जिसके अंदर जो इमेज स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है। अगर दूसरे कैमरे की बात की जाए तो वो जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसका अपर्चर जो है f/1.7 है। तो इसका जो तीसरा कैमरा है वो टेलीफोटो कैमरा है, जो कि 12 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर जो है आप ऑप्टिकली जो है 5x जूम कर सकते हैं। अगर आप जो है ज़्यादा जूम करना चाहते हैं तो आप डिजिटली जो है 25x जूम कर सकते हैं। फिर अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसका अपर्चर जो है f/1.7 है। इसके फ्रंट कैमरा में आप जो 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पे, इसके अलावा फुल HD वीडियो भी आप जो 60 फ्रेम के ऊपर जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर यहां पर अगर इस मोबाइल की वीडियोग्राफी की बात की जाए तो आप जो 4K में 60 फ्रेम के ऊपर जो वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो HD वीडियो शूट करना चाहते हैं 1080p पे, वो भी आप जो 60 फ्रेम के ऊपर जो वो शूट कर सकते हैं। फिर यहां पर जो इसके 4K कैमरा में आपको जो सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, जिसके अंदर आप जो है वीडियो को ब्लर कर सकते हैं, वो भी आप जो है 30 फ्रेम के ऊपर शूट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो एक्शन मोड है वो 2.8K के ऊपर जो वर्क करता है, जिसके अंदर आप जो है 60 फ्रेम के ऊपर वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अगर जो इस मोबाइल के कैमरा की स्लो मोशन की बात की जाए, आप जो फुल HD में 240 फ्रेम तक जो है वो शूट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा जो मैंने फोटो और वीडियोस बनाई है, इन सबका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर डाउनलोड करके जूम करके आप जो क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, अरविंद तक के लिए बाय।